सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा, पिज्जा एट आवर होम। दोस्तों ये बिल्कुल ही डोमिनोज स्टाइल बनता है, तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनल, आप आइए सोनल की रसोई में। चलिए शुरू करते हैं। पिज्जा बनाने की रिटेन रेसिपी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पिज्जा डो लिया हुआ है, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। यहाँ मैंने पिज्जा सॉस लिया है, जो भी मैंने अपने चैनल में पोस्ट किया हुआ है। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज लिया हुआ है, जिसे मैंने यहाँ पे ग्रेट करके रखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ मैंने टॉपिंग्स ली हैं, आप अपने मनपसंद कोई भी टॉपिंग ले सकते हैं। यहाँ मैंने कैप्सिकम, अनियन और कॉर्न्स लिए हुए हैं दोस्तों, रेड एंड ग्रीन दोनों कैप्सिकम लिए हुए हैं। अब जिस भी पैन में आपको ये पिज्जा बनाना है, उसमें आप 3 टीस्पून सूजी स्प्रेड कर दीजिए और अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। अब ऑयल लगे हाथों से जो पिज्जा डो है, उसे अब हम शेप देंगे। पहले आप थोड़ा सा उसे गोल आकार दे दीजिए, उसके बाद उसे आप अपने पिज्जा पैन में रखिए और अपने हथेली की मदद से उसे स्प्रेड कीजिए। दोस्तों पिज्जा डो बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये आपकी हथेली की मदद से आसानी से फैल जाएगा। आप अगर सोचे कि इसे बेलन से बेले तो नहीं बेल पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये देखिए दोस्तों, इसकी थिकनेस आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको मोटा पिज्जा पसंद है तो मोटा थिकनेस इसकी ज्यादा रखिए, नहीं तो पतली भी रख सकते हैं आप। अब इसे स्प्रेड करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपनी पिज्जा सॉस। दोस्तों पिज्जा सॉस की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं हाउ टू मेक द परफेक्ट पिज्जा सॉस। और पिज्जा सॉस जब आप इसमें लगाएंगे, तो आप उसमें थोड़े से पिज्जा बेस में अपनी स्पून की मदद से छेद कर दीजिए, ताकि पिज्जा सॉस जो है अच्छी तरीके से अंदर तक उसमें उसके इफेक्ट चले जाए। अब इसमें जो हमने ग्रेटेड चीज रखा हुआ है वो डाल दीजिए। दोस्तों पिज्जा में तो भाई मोजरेला चीज ही यूज होता है, क्योंकि जब वो मोजरेला चीज जो है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, तो जब पिज्जा में वो खिंचता है तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी टॉपिंग्स। यहाँ पर मैं रेड एंड ग्रीन बेल पेपर यूज कर रही हूँ, अनियंस यूज कर रही हूँ, अनियंस के मैंने बल्ब काट के रखे हुए हैं, और यहाँ पर मैं कुछ कॉर्न्स यूज करूंगी। दोस्तों आप अपने मनपसंद कोई सी भी टॉपिंग्स यूज कर सकते हैं, आपको पसंद हो आप अपने मनपसंद कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, इसमें आप ऑलिव्स डाल सकते हैं, इसमें आप बेबी कॉर्न्स डाल सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस, क्योंकि भाई जब हम खाने जाते हैं तो भी हमारी चॉइस ही होती है। अब ऊपर से थोड़ा सा पिज्जा आप और इसमें डस्ट कर दीजिए, ताकि एक अच्छा मतलब पिज्जा का फ्लेवर आता है जब हम खाते हैं। अब ऊपर से आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए दोस्तों। अब ये हमारा पिज्जा जो है बेक करने के लिए रेडी है। तो अब बेक कितना करना है दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पिज्जा की थिकनेस कितनी है, हम उतनी देर के लिए बेक करेंगे। मैं इस पिज्जा को बेक करूंगी कन्वेक्शन मोड में, माइक्रोवेव में हम ये बेक कर रहे हैं, मैं कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में अबाउट 40 टू 45 मिनट्स के लिए इसे बेक करूंगी दोस्तों। आप अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कच्चा है तो आप इसे थोड़ी देर और बेक कर लीजिए दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों हमारा पिज्जा आफ्टर बेकिंग कितना सुंदर दिख रहा है, मैं इसे आपको जूम करके दिखाती हूँ दोस्तों। वाओ, इसका जो हमने चीज डाला था वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो गया है, और जब चीज मेल्ट हो जाता है तभी खाने में मजा आता है। अब आप इसे एक पिज्जा कटर की मदद से इसे कट कर लीजिए। अगर आपको पिज्जा कटर ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। अब आप इसे कट करके सर्व कीजिए। इसकी क्रस्ट देखिए कितनी अच्छी है, अंदर इसमें स्पंज भी आया है दोस्तों। देखिए हमारा पिज्जा बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे अपने घर में ट्राई करना मत भूलिएगा दोस्तों। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। America.